राजनीति में परमानेंट कोई दोष या दुश्मन नहीं होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन, हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और वोट। अगर माँ को हाजीपुर से लड़ाएंगे अच्छी बात है, कोशिश करके देख लें। अब एक बच्चा अगर नटखटपना करेगा तो अब क्या कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको जरूर ये एहसास होता है कि एक्सपेरिमेंट मेरे राज्य के लिए खराब है, और जिस वक्त उनको ये अंदेशा होता है वो तुरंत पलट के सही जगह आ जाता है। उनको चाहिए कि वो जो डिसीजन ले उस पे हामी भरा जाए। वेरेज हम सब जानते हैं कि आरजेडी इज अ परिवारवाद की पार्टी एंड देयर कंट्रोल, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, रोबोट की तरह सक कर लेते हैं। और आप नीतीश कुमार जी को अगर रोबोट मान के काम करवाएंगे, डू यू थिंक कि वो पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं वो डरे समय हुए थे जब उनके साथ थे, पावर ऑफ एसोसिएशन की वजह से उन्होंने किया था। जिस पार्टी में वो गए थे, जिनके साथ वो थे, हम सब जानते हैं कि उनका नाम हम लोग किस डर से, किस उससे लेते हैं। तो महागठबंधन में रहने का ही असर है, अदरवाइज आज तक सदन में जिस तरीके का उनका बयान आया था महिलाओं को लेकर के, उस बयान को फिर किस रूप में आप? एकदम वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस बयान के लिए हम लोग बहुत दुखी थे, आज भी हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिव्यानी मित्रा जी। दिव्यानी जी, नीतीश कुमार को आप कैसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? वेरी श्रूट, वेरी काम, वेरी कंपोज। उनको एग्जैक्टली पता है कि किस कितना नाप तोल के करना चाहिए और कब समय आने पर सही लोगों का साथ देना चाहिए और कब समय आने पर गलत लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। आपने बोला बहुत कूल, बहुत काम व्यक्ति है। सदन में जिस तरीके का उनका बयान आया था महिलाओं को लेकर के, उस बयान को फिर किस रूप में आप? एकदम वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस बयान के लिए हम लोग बहुत दुखी थे, आज भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन, कहा जाता है कि अगर आपके 5 दोस्त अगर स्मोक करते तो छठा दोस्त भी स्मोक करेगा। तो वो पावर ऑफ एसोसिएशन की वजह से उन्होंने किया था। जिस पार्टी में वो गए थे, जिनके साथ वो थे, हम सब जानते हैं कि उनका नाम हम लोग किस डर से, किस उससे लेते हैं। तो महागठबंधन में रहने का ही असर है, अदरवाइज आज तक ऑनरेबल सीएमओ भी इस ढंग के भाषणबाजी कभी किए नहीं। तो इसीलिए औरत रूप होता है माँ का, माफी का, तो हम लोगों ने उनको माफ कर दिया, ये सोच के माफ किया कि फिर से वो ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि वो आपके साथ आ गए इस वजह से आप लोग का जो टोन है उसमें बदलाव आया, क्योंकि नेतृत्व करता कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार ही थे, नेतृत्व तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने जब खुद इस्तीफा दिया, उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता था, मुझे प्रेशर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं वो डरे समय हुए थे जब उनके साथ थे, और फाइनली जब वो निकले। देखिए, नीतीश कुमार जी का भी काम करने का कंफर्ट जोन है, और वो कंफर्ट जोन सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही हो सकता है, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए। उनको चाहिए कि वो जो डिसीजन ले उस पे हामी भरा जाए। वेरेज हम सब जानते हैं कि आरजेडी इज अ परिवारवाद की पार्टी एंड देयर कंट्रोल, वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, रोबोट की तरह सक कर लेते हैं। और आप नीतीश कुमार जी को अगर रोबोट मान के काम करवाएंगे, डू यू थिंक कि वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसलिए वो सारी चीजें टूट गई। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने 2017 में भी उनका साथ छोड़कर एनडीए का साथ, फिर उसके बाद फिर क्यों छोड़ने की नौबत आ गई? सबकी अपनी अपनी एक टाइम आता है, कहते हैं ना कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। उनको लगा कि जाएंगे थोड़ा सा घूम फिर के आते। नीतीश कुमार जी लव्स टू प्ले विद दिस, उनको बड़ा मजा आता है एक बार इधर एक बार उधर, क्योंकि ही नोज हिज पावर। अगर आपको आपके पास, मैं बता रही हूँ, उनको क्योंकि पता है कि उनके पास क्या पावर है, उनके पास लोगों का पावर है, उनके पास उनके समाज का पावर है, मोरोवर वो सुशासन बाबू है। तो ही लव्स टू एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट नहीं, खराब की बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको जरूर ये एहसास होता है कि एक्सपेरिमेंट मेरे राज्य के लिए खराब है, और जिस वक्त उनको ये अंदेशा होता है वो तुरंत पलट के सही जगह आ जाते हैं। इसीलिए इस बार भी उन्होंने वही कहा जाता है कि व्यक्ति एक बार गलती करे तो उसको कहा जाता है कि चलिए भाई गलती किया, उसको माफी किया जा सके, लेकिन दो दो बार पलटना नहीं। देखिए, बात ऐसा नहीं है आदमी, मैं ऐसे बहुत सारे नेताओं को जानती हूँ जो लगातार गलतियां कर रहे फिर भी मान नहीं रहे। एटलीस्ट ऑनरेबल सीएम इतना तो है कि भाई नहीं, उन्होंने उस चीज को माना और वो मोदी जी के साथ आ गए। और राजनीति में परमानेंट कोई दोष या दुश्मन नहीं होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन, हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स, और वो भी अगर इस वक्त अगर बिहार के डेवलपमेंट की बात हो, और इस वक्त अगर ऑनरेबल सीएम अगर पलटे हैं और साथ दिए, तो जान लीजिए इस बार बीजेपी का साथ देने के लिए। आपने कहा सब कुछ समय तय करती है, क्या इस बार पशुपति पारस को हाजीपुर से सांसद के रूप में? डेफिनेटली डेफिनेटली एकदम। हाजीपुर के सांसद कौन? श्री पशुपति कुमार पारस। तो वहां से लड़ेंगे कौन? श्री पशुपति कुमार पारस। चिराग पासवान का दावा कुछ काम नहीं आएगा, बिकॉज भाई आप दावेदारी क्यों करोगे जब घर आपका नहीं? आपका घर तो जम्मू ही, अब जम्मू ही पे जाऊंगा। वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी हिम कि वो जम्मू ही से लड़े, उनके साथ कोई बैर नहीं, क्योंकि वो टेक्निकली हमारी पार्टी के सदस्य हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम फॉर जम्मू एंड बेस्ट ऑफ लक टू अस फॉर हाजीपुर।
वो तो हमेशा कहते हैं कि अपनी माँ को हाजीपुर से लड़ाएंगे, माँ को हाजीपुर से लड़ाएंगे, अच्छी बात है, कोशिश करके देख लें। अब एक बच्चा अगर नटखटपना करेगा तो अब क्या कीजिएगा, बार बार बोल रहे वो हमारे पार्टी के टेक्निकली मेंबर है तो हम उनके खिलाफ क्या बोलेंगे। लेटी मैं बोल रही हूँ ना, उनको पूरा त्रिभुवन घूम के आ जाने दीजिए, ये कर ले वो कर, एंड ऑफ द जब वो आराम से बैठेंगे उनको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत, सो उनका इंतजार कीजिए। पासवान समुदाय के जो लोग हैं चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर फॉलोअर्स को जो चिल्ला चिल्ला के उनके पीछे जाके पासवान पासवान करते, वो सिर्फ फॉलोअर है, और हम लोग फॉलोअर नहीं बढ़ाते, हम लोग लीडरशिप क्रिएट करें। हमारे हर एक नेता एक एक अलग अलग लीडर्स है, लीडरशिप और फॉलोअर में बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दिव्यानी मित्र। आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाजीपुर पशुपति पारस का है, था और रहेगा। बेवजह के दखलंदाजी अगर कोई कर रहे हैं तो वो चिराग पासवान कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।